औरतों के लिए कुछ अच्छे विचार। नंबर वन, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। नंबर टू, पुरुष चाहे कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो बिना नारी के अधूरा है। नंबर थ्री, एक स्त्री ऐसी होती है जो बड़े से बड़े दुखों का पहाड़ आसानी से ढो लेती है। नंबर फोर, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक स्त्री इसका हंसकर सामना कर सकती है। नंबर फाइव, नारी कुछ भी करने की क्षमता को रखती है, लेकिन कभी भी वो अपनी इच्छा के विरुद्ध में प्रेम नहीं कर सकती है। नंबर सिक्स, नारी में असीमित शक्ति होती है, फिर भी उसे समाज में अबला ही समझा जाता है। नंबर सेवन, जिस आंगन में स्त्री का निवास नहीं होता है वो घर आंगन नरक के सम्मान होता है। नंबर एट, नारी ही कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन तो कभी बेटी बनकर पुरुषों की सेवा करती है। नंबर नाइन, आप अपने फर्ज से मुख मोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्त्री अपने फर्ज को कभी अधूरा नहीं छोड़ती है। नंबर टेन, भले ही एक स्त्री की आंखों में दुखों के लाखों आंसू क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने आंचल में ममता को कम नहीं होने देती है। नंबर इलेवन, एक स्त्री है जो अपने पूरे जीवन को सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। नंबर ट्वेल्व, जिस घर में नारी को सामान्य मिलता है वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। नंबर थर्टीन, एक स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है। नंबर फोर्टीन, एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती है, वो दूसरों के सुख में ही अपना सुख अनुभव करती है। नंबर फिफ्टीन, स्त्री का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। नंबर सिक्सटीन, एक महिला पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक समझती है। नंबर सेवेंटीन, हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। नंबर एटीन, लज्जा स्त्रियों का गहना है, मौन स्त्रियों का आभूषण है। नंबर नाइनटीन, एक स्त्री होती है जो सभी रिश्तों को संभालती है। नंबर ट्वेंटी, आप तभी सामान्य पाते हैं जब आप स्त्री का सम्मान करते हैं। नंबर ट्वेंटी वन, एक नारी ही होती है जो माँ, बहन, बेटी और पत्नी का फर्ज निभाती है। नंबर ट्वेंटी टू, वर्तमान में नारी की बस यही कहानी है, आंचल में दूध तो आंखों में बस पानी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, नारी के लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।